हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो दाल मखनी के लिए चने की दाल और मसूर की दाल मैंने एक साथ देखी बना ली है और इसको कर लेंगे अच्छी तरह से मैश। इससे थोड़ा सा दाल मखनी का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाता है। और इधर मसाला बना लिए, प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची का। तो गर्म तेल में मैंने डाल दिया है अपना मसाला जो भी मैंने तैयार किया था, टमाटर मिर्ची लहसुन अदरक का। और ये डाल दिया है मैंने दाल मखनी का मसाला, और ये थोड़ा सा धनिया मिर्ची का पाउडर भी इसी में ऐड कर दिए हैं। अब इसको अच्छी तरह से हम टमाटर प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे सारा मसाला हमारे टमाटर प्याज लहसुन अदरक के पेस्ट में मिल जाए और बहुत ही टेस्टी लगे दाल मखनी। तो ये डाल दिए थोड़ा सा नमक, जिससे मसाला हमारा जल्दी से कुक हो जाए, क्योंकि इसमें हमको दही या मलाई कुछ भी ऐड नहीं करना है। और इसको अच्छी तरह से हम चलाएंगे। अब डाल देंगे थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए, कि दाल मखनी का थोड़ा सा कलर काफ़ी अच्छा हो जाए और दिखने में भी अच्छा लगे, खाने में भी अच्छा लगे। तो हल्का सा आधे स्पून के आसपास मैंने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड किया है, और ये दाल मखनी का मसाला थोड़ा सा और ऐड कर दिया। थोड़ा सा मुझे थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैंने इसमें और ऐड कर दिया है। तो ये मिक्स कर देंगे मसाले में हम अच्छी तरह से। तो 5-10 मिनट तक इसको हम कुक करेंगे, और मसालों को, क्योंकि मसाला जितना अच्छा बनेगा हमारा दाल मखनी, छोला, राजमा कुछ भी है वो उतना ही टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें डाल देंगे अपनी दाल मखनी जो मैंने अभी बना के तैयार की है, और अच्छी तरह से हम सारे मसालों के साथ दाल को मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छी फ्रेंड्स बनती है दाल मखनी। अगर थोड़ा सा इसमें आप चना भी डाल दें, तो मैंने इस चना और उड़द दाल जो साबुत होता है साथ में, और थोड़ी सी मसूर दाल, सब मिक्स करके बनाइए। और बहुत ही अच्छा टेस्ट लगा मुझे दाल मखनी का। थोड़ा सा बच्चों को हर तरह की दाल का भी टेस्ट मिल गया, क्योंकि बच्चे वैसे एक ही दाल खाते हैं अरहर की, और तो कोई दाल खाते नहीं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा सभी दालों के साथ मिक्स किया है। और थोड़ा सा दाल मखनी का मसाला और डाल दिया है, जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये दाल मखनी है, क्योंकि इसमें मैंने तो कई तरह की दाल बनाई है। तो सारी दालों को मिक्स करके मैंने दाल मखनी बनाई है, जो बहुत ही टेस्टी बनी है फ्रेंड्स। तो मैंने दाल मखनी को थोड़ा सा मसाला और लास्ट में ऐड किया है, और इस देखिए कितनी यम्मी दाल हमारी बनके तैयार होगी। तो लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बटर। तो ये हमने डाल दिया है इसमें बटर। तो बटर मेरा काफ़ी जम गया था, क्योंकि ये फ्रिज में रखा हुआ था, और दाल मखनी में बटर का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए लास्ट में आप बटर ज़रूर डालें। अगर आप छौके के समय जब आप दाल छौकते हैं, तब अगर आप बटर नहीं डाल रहे हैं, तो लास्ट में बटर तो ज़रूर ही डालिए दाल मखनी में, तभी दाल मखनी का टेस्ट बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छा लगता है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आज मैंने दाल मखनी बनाई जो आप लोगों के साथ शेयर की। चलिए ब्लॉग एंड करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।